आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अगर वीडियो आपको पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिशत कहते किसे हैं, किसे कहते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा, प्रति जोड़ सत, यानी प्रति जोड़ सत हो रहा है। प्रति का जो मतलब है क्या होगा, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और सत का मतलब क्या होता है तो 100, यानी प्रत्येक 100 पर प्रतिशत हमें निकालने के लिए प्रत्येक 100 पर किया जाता है, निकाला जाता है प्रतिशत को। तो जैसे कि अगर देख लीजिए प्रतिशत का जो है, प्रतिशत का सिंबल कैसा होता है, यानी साइन कैसा होता है, चिन्ह कैसा होता है, तो प्रतिशत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक, प्रतिशत का ये चिन्ह है, या अगर ये चिन्ह कहीं पे दिया रहे तो इसका मतलब क्या है, 100 में परसेंटेज निकालना है, यानी प्रतिशत निकालना है। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास 20 रुपया है, अगर आपके पास 20 रुपया है, मान लेते हैं यहाँ पे हम 20 रुपया आपके पास है, अगर बोला जाए कि इसका जो है 10% दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए, मतलब 20 का 10% कहने का मतलब क्या, हम ऐसा जब चिन्ह देंगे इसका मतलब क्या कि परसेंटेज निकालना है प्रतिशत, तो हमें 20 का 10% निकालना है, मतलब 20 का हमें 10% किसी को दे देना है। तो 10% जो है अपने आप में एक संख्या नहीं है, वो जो संख्या दिया हुआ है, जो जिसका निकालना है, जिस रुपया का हमें निकालना है, उसका 10% यानी दसवां भाग, 20 रुपये का हमें दसवां भाग किसी को देना है। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, जैसे 20 का हमें 10% निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 20 का कितना निकालना है 10, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हम आपको बताएं कि प्रत्येक 100 पर, यानी प्रत्येक 100 रुपया पर, मतलब 100 नंबर है एक परसेंटेज का। ठीक, तो यहां से अगर हम परसेंटेज अगर हटा देंगे तो इसके नीचे हमें क्या कर देना है, 100 लिख देना है। परसेंटेज जैसे हटाएंगे तो हमारा परसेंटेज समाप्त हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अब हमें इससे कैंसिल कर देंगे, दो जीरो है तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा, 2 और 1, 2 एकम 2, यानी 2 रुपया, यानी जो है 20 रुपये का, 20 रुपये का 10% कितना हुआ, तो 2 हुआ, यही हमारा परसेंटेज का, उसको हम अगर अगले आदमी को देना होगा तो 2 रुपया हम देंगे। ठीक, इसी प्रकार आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, अगर बोला जाए कि 100 का 30% निकालिए, यानी 100 रुपये का 30% कितना हुआ, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 100 हो गया, 100 का बोला जा रहा है यहाँ पे कितना, तो 30%, इसे हम प्रतिशत ऐसे लिख सकते हैं या प्रतिशत का हम चिन्ह दे सकते हैं, 100 का 30% निकालिए। ठीक, 100 का 30% जैसे निकालने के लिए बोलेगा, और यहाँ पे 100 का 30, 100 का बोला जा रहा है, का को हम क्या बोलते हैं, तो गुना बोलते हैं। ठीक, का को हम गुना बोलते हैं, का मतलब क्या हुआ, तो गुना हुआ 100 का 30। अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हमें हमेशा बेस जो होता है परसेंटेज का वो 100 होता है, यानी जो आधार होता है वो 100 होता है, हम परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 ही लिखते हैं। ठीक, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, हमें परसेंटेज हटाएंगे तब ही हमें उसका परसेंटेज निकल आएगा, उस संख्या का परसेंटेज निकल के आएगा। तो 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया, 10 गुने 3 बच गया, तो 10 3 30, तो क्या आ गया उसका आंसर, यानी 30 आ गया, 100 का 30% कितना हुआ, तो 30 हो गया। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं, इसी प्रकार आप परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर बड़ा बड़ा संख्या रहे, जैसे कि मान लीजिए आप बड़ा बड़ा संख्या रहे कि 5000 है, 5000 का अगर बोला जाए कि 5% कितना होगा, अगर 5000 का 5% बोला जा रहा है कि कितना होगा, तो क्या करेंगे, हमको बताएं वो संख्या, उस संख्या को लिख देंगे, का मतलब क्या होता है, तो का मतलब गुना होता है, तो गुना, 5% निकालना है तो परसेंटेज को हटा देंगे और उसके नीचे हमें 100 लिख देना है, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, तो प्रतिशत का मतलब ही 100 है, पूरा पूरी 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल करने वाला होता है, कैंसिल कर देंगे, 50 गुने 5 तो 25 250, यही हमारा आंसर हो गया, यानी 5000 का 5% कितना हुआ, तो 250 हो गया। तो इस प्रकार आप परसेंटेज को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आगे देखिए कुछ इसमें है कि अगर प्रतिशत दिया हुआ हो, जैसे कि प्रतिशत दिया हुआ हो और उसको बोले कि भिन्न में बदलना है, यानी भिन्न में चेंज करना है, जैसे कि
10% है। इसे बोल रहा है कि पूर्ण रूप से संख्या में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई संख्या 2/5 या 3/4, इसका मतलब क्या, यानी भिन्न के रूप में बदलना है, हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो हमें किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। आपको हम क्या बताएं कि कोई भी परसेंटेज है उसको हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब क्या हुआ, बटे के रूप में, यानी पूर्ण रूप से संख्या के रूप में, जैसे 2/4, 3/5, 6/8, कोई भी कुछ भी संख्या हो उसी रूप में हमें बदलना है। ठीक, तो हमें प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा, तो 10% बदलने के लिए 100 से भाग देना, इसका मतलब परसेंटेज को हमें हटाना होगा। परसेंटेज को जैसे हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 से भाग देना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आप बटे में 100 लिख दे, तो कितना बचा, 1/10, यही हमारा भिन्न में बदल गया, यानी 10% जो है, 10% कितना हुआ, भिन्न हुआ, तो 1/10 भिन्न में हो गया। ठीक, कोई एक और ले लीजिए संख्या, जैसे कि हम ले लेते हैं, आप ले लीजिए 25%, इसको जो है हमें भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदले, बोला जा रहा है कि 25% को भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या बताया है कि 25 जो संख्या दिया हुआ है उसी संख्या के नीचे हमें क्या लिख देना है, तो 100 से भाग देना है। जो संख्या दिया हुआ रहेगा, जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, उसके हमें नीचे 100 लिख देंगे, तो 100 से भाग देना होगा, तो कटने वाला तो काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4, यही हमारा भिन्न में बदल गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये तो था आपको परसेंटेज से भिन्न में बदलना। ठीक, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, यानी भिन्न दिया हुआ है, और उसको बोला जाए कि आपको इसे क्या चीज में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो चलिए देखते हैं उसको भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। पहले तो हम प्रतिशत को भिन्न में बदल चुके हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, तो हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना होता है। ठीक, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक, तो यहाँ पे 2/5 है, हमें इसे प्रतिशत में बदलना होता है, तो क्या करेंगे, तो हम 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा, तो गुना कर दिया, अब कटने वाला तो काट देंगे, तो 20 पंचे 100, 5 से 100 कितने मतलब कटेगा, 20 बार में, तो 20 दूना 40, तो हमारा कितना हो गया, 40% हो गया, यानी 2/5 जो है, उस 2/5 जो संख्या है वो कितना परसेंट है, तो 40% है। जैसे कि और एक देख लीजिए, 3/4 को 100% में बदले, हमें 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, ये भिन्न है 3/4, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे करेंगे, इसे आपको बता चुके हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, तो 100 से गुना करना होता है, यानी 3/4 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना किए तो कितना आ गया, 3/4 गुना 100, कटने वाला होगा तो काट देंगे, तो क्या हो गया, 25 चौका 100, यानी 4 से 100 जो कट रहा है 25 मतलब, तो कितना, 25 75, यानी 75% आ गया, मतलब 3/4 जो है कोई संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 75% है। इस प्रकार आप भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक, और परसेंटेज बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।